जय हिंद दोस्तों, मैं इसको फर्जी कमांडो फौज का भगोड़ा क्यों बोलता हूं, आज इस वीडियो में पूरा का पूरा पता लग जाएगा। और जो उसके 4-5-10 चमचे हैं ना, जो कमेंट करते हैं ना, विराट नंबर वन कमांडो नंबर वन ना, वो भाई रिकॉर्डिंग सुन ले, ठीक है। अगर एक बाप की औलाद होगा ना तो रिकॉर्डिंग सुन ले, उसके बाद फैसला कर लेना ना कि मैं गलत हूँ वो गलत है। मैं ये फैसला तुम लोगों पे छोड़ता हूँ, ठीक है मेरे भाई। अगर सच के खिलाफ आवाज उठाने में जान से मारने की धमकी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, ठीक है। तो पहले रिकॉर्डिंग कर देख लेते हैं कि इसका रिकॉर्डिंग क्या है। और ये रिकॉर्डिंग ही नहीं, एक बात समझ ले, तू भी देख रहा होगा फर्जी कमांडो, ठीक है ना। तो मैं तेरे 2-4 टुट्टे धमकियों से डरने वाला हूँ, ठीक है, और ना ही जो तू बोल रहा था तेरे खिलाफ केस करेंगे, ये धारा लगाएंगे, मानहानि। अबे मैंने तेरा किया क्या, मैंने तेरे सच बताया जनता को, अब जनता को सच बताने में मानहानि, ठीक है, कर दे मेरे भाई, कर दे। वकील मेरे पास भी है, कानून तो मेरे लिए भी है, कानून तेरे लिए भी है। और जो तू जान मारने की धमकी दिया है ना, उसका भी रिकॉर्डिंग है। और ये तो एक छोटा सा तेरे को ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी पूरा वीडियो मेरे पास है, पूरा क्लिप मेरे पास है कि तू क्या क्या अपनी एकेडमी के अंदर लड़कियों के साथ गुल खिला रहा ना, पूरी 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 के पूरा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है मेरे भाई। तो पहले ये रिकॉर्डिंग सुनो, ये लास्ट वीडियो है, याद रखना, आखिरी नहीं। मैं इसके खिलाफ अब ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, अपने फिजिकल पर ध्यान दूंगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग सुन लो, थोड़ा नज़दीक लाओ कैमरामैन। सर मेरा एडमिशन किसने हुआ है सर, दिखा सकते हैं हमें? दिखाया क्या आपको, तुमने बोल दिया तो दिखाया, वही तो मैंने बोल दिया। नहीं सर दिखा दीजिए, मैं अभी कर दूंगा एडमिशन, अभी दिखा दूंगा, अभी नहीं एडमिशन करना। मैंने बोल दिया ना चिदमेश ने, जो मैंने बोल दिया उसमें एडमिशन है, क्योंकि तूने पता नहीं क्या बोला था, कि तेरे को पता नहीं किसमें करवाया एडमिशन, कल से ले रही है ना वो फिजिकल सर। लेकिन हमको कुछ मिला होता तो मैं आपको मालूम, क्या मिला होता, ड्रेस नहीं मिला चाहिए। होशियारी चौधरी है क्या, 2 मिनट में कर दूंगा सीधा, फिजिकल में ये पता नहीं तूने क्या बोला था, तुमने कराया था क्लास लेने देता हूँ, फिजिकल वाले को गिरती है, फिजिकल में क्लास लेती है क्या, होशियार बन रही है। अब क्या बोला था पहले, यहाँ पे क्या बोला था, सब ड्रेस का सर पापा से बात होगी ना, आप कह रहे हो तो सर देंगे, लेकिन हम गारंटी पीछे पढ़ाई करेंगे। देखो पूरी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, पूरी कहानी में उसने एडमिशन कराया, ठीक है, यहाँ पर देखो धांधली कैसे होता है, ठीक है, और एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा अभी, ध्यान से देखना। तो उसने रेगुलर बैच में एडमिशन कराया, 10,000 रुपया रेगुलर बैच का है, इसका गारंटी बैच का है 1,20,000-1.5 लाख रुपये तक इसका गारंटी बैच चलता है, ठीक है। अब उस लड़की ने रेगुलर बैच में एडमिशन कराया और अपनी मेहनत की, अपने जीनो दीन दान लगाया, मेहनत की, और मेहनत करने के बाद, ठीक है, उसका जब रिजल्ट आया तब ये बोल रहा है फर्जी कमांडो कि तेरा गारंटी बेच में है, 10,000 रुपये दे के कौन सा गारंटी बेच में, अगर उसको गारंटी बेच में लेना होता तो भाई गारंटी बेच में लेती, तो 10,000 रुपये दे के रेगुलर बेच में ही है। जब उसका रिजल्ट आ गया तो ये बोल रहा है कि गारंटी बेच में 1.5 लाख रुपये फीस जमा दो। दूसरा, ये जो नारी शक्ति पे आवाज उठाने वाला है कि हम दूसरों की बहन बेटियों के लिए गर्दन कटवा देते हैं, फर्जी कमांडो है, मैं इसलिए फर्जी कमांडो ऐसे होते ही नहीं है यार, कमांडो नारी सम्मान के लिए गर्दन कटवाते हैं और काटते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा कि ज्यादा होशियारी चोट रही है लड़की को, रिकॉर्डिंग सुना के ज्यादा होशियारी चोट रही है, मारूंगा एक थप्पड़, कहाँ मारूंगा, एक कान के नीचे। अबे वो लड़की है इसलिए तो उसको डरा रहा है, ठीक है, अगर कोई वहां पर बिहार यूपी का लोंडा होता ना तो 2 मिनट लगते तेरी मुच्छे कबाड़ के गांड में डाल के निकल जाता वहां से, समझ में आई बात, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं एक बताऊ, मुंहफट हूँ थोड़ा, माफ करना लड़की लोग, मुंहफट हूँ थोड़ा लेकिन सही बोल रहा हूँ, माफ करना, एक लड़की जा रही थी बगल से इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, माफ करना इसके लिए।
ठीक है। तो दूसरी बात क्या है मेरे भाई कि इसने क्या बोला कि 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे होंगे, ये इसका एकेडमी में चलता है, ठीक है। और कई सारे इसकी वीडियो आपने देखा होगा कि रात को 12 बजे गर्ल्स हॉस्टल में छापा। अबे अबे छापा कहीं और मराता है मेरे भाई, गर्ल्स हॉस्टल में नहीं मराता है। और ये कौन लोग है जो अपनी बहन बेटियों को इसके एकेडमी में भेजते हैं, और तुम भी इसके एकेडमी में जाते क्यों हो मेरे भाई? ये तो फंसाने का काम करता है। पहले बोलेगा 10,000, 6,000, जब सिलेक्शन होगा तो 1.5 लाख। यहाँ तो मेरे भाई की जो जितना पैसा दिया उतना, सिलेक्शन होने के बाद किसी का पैसा मांग रहे? बिहार पुलिस के अंदर फिजिकल हुआ किसी 1 रुपए मांगे? यहाँ नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ नहीं होता है। और एक रिकॉर्डिंग है इसका, और रिकॉर्डिंग एक सुनाता हूँ, ठीक है। मैं बोला ना कि मैं किसी से लगता नहीं हूँ भाई, ठीक है, और लगता हूँ ना तो फिर उखाड़ के रखता हूँ। और जो तेरे को केस वेस करना है ना तू कर ले, ठीक है। कानून तेरे लिए है तो कानून मेरे लिए भी है, ठीक है। और एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ मैं इसकी, ठीक है। ये जो गंध फैला के रखा है ना, ठीक है, ये जो गंध फैला के रखा है इसको मैं अभी इसका सीधा करता हूँ, ठीक है। आप जो एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ से इसका हिस्ट्री कैसे निकलेगा इस, अभी 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 थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। हाँ भाई, इसका एक रिकॉर्डिंग आप सुनिए ध्यान से, ठीक है, किस तरह गालियां दे रहा और किस तरह जान से मारने की धमकी दे रहा, ठीक है। ये इसका गाली आप सुनिएगा। चल ये देख, ये क्या बोला, मुखर्जी नगर आना, जिंदा नहीं जाएगा, ठीक है। तो रियलिटी है ना बॉस कि तेरी औकात नहीं है मेरा बाल उखाड़ने की। देख मैं नहीं उखाड़ पा रहा अपने खुद से, तू क्या उखाड़ेगा? तेरी औकात नहीं है ना बाल उखाड़ने की, ठीक है। और ये छोटा सा वीडियो है, ठीक है, और वीडियो आपके पास, अगर अगर कोई भी उंगली की मेरे खिलाफ, अगर कोई भी मेरे खिलाफ वीडियो डाला तो और एक वीडियो है मेरे पास यूट्यूब पे, वीडियो है वो, ये तो रिकॉर्डिंग सुना है ना, वीडियो है, ठीक है। क्या बोलता है कि तेरे पास पैसे है तो जनरल में सफर करके दिल्ली आया था। भाई जनरल में सफर करके जरूर आया था लेकिन बच्चों का हक नहीं मार के खाता, ठीक है। जितना लेता हूँ पैसा ना उससे ज्यादा का इनको ट्रेनिंग देता हूँ, इनको खिलाता हूँ, इनको रहने में खर्च करता हूँ। तेरे जैसे फंसा के अपनी गाड़ियों जगवार और अब बोलेरो पे नहीं घूमता, ठीक है मेरे भाई, याद रखना ये चीज। बच्चों का हक मार के, बच्चों को फंसा के गाड़ियों पे नहीं घूमना, जनरल में सिवा सफर कर लेगा लेकिन किसी का हक नहीं खाएगा। ये हमारा सम्मान है, ये हमारा संस्कार है, ठीक है। तुम जैसा ऐसा नहीं है कि व्यू चक्कर में कुछ भी बोल दिए, ये हो गया व्यू के चक्कर में, ऐसा हो गया लड़कियों के छापा हो गया, ये लड़कियां एक भी बता नहीं पाई, ये बकवास चीजें मत करो, ठीक है। मेहनत कर ले मेरे भाई, ठीक है। अपनी CRPF को क्यों बदनाम कर रहा, जिस CRPF से तू आया है उस CRPF को क्यों बदनाम कर रहा? और ये बोलता है कमांडो CRPF में ब्लैक कोबरा, कौन सा कमांडो भाई? आज तक इसने तो ये क्लियर नहीं किया है, ठीक है, ना कोई सर्टिफिकेट दिखाया है कमांडो का। और इसकी खुलासा तो ये देख लो कि 5-6 साल बोलता कि मैं 5-6 साल सेवा दिया हूँ, ठीक है। तो 5-6 साल सेवा दिया है तो तू हमको बता, बोलता है 2 कमांडो कोर्स और 1 PTI कोर्स। जरा हमको बताना एक चीज, हाँ एक चीज हमको बताना, चलो 6 साल तेरा मान लेते, तुम 5-6 साल बोलता ना, हम 6 साल मानते हैं, तो 2 साल तेरा ट्रेनिंग गुजर गया, बेसिक ट्रेनिंग जो कि फोर्स में होता है, ठीक है, इतना तो हमको पता है। बचा तेरे 4 साल भाई, तो तू ऐसा क्या कर दिया कि 4 साल अभी, मतलब उसके बाद 2 या 3 साल ड्यूटी करने के बाद ही ना कोई कोर्स करेगा, तेरे को आगे चुना जाएगा? वहां के तलवे थोड़ी चाट रहा था, उसकी धो रहा था अफसर की, कि जाके तेरे को बोला नहीं नहीं भाई कमांडो आप आइए, पहले ही कमांडो कोर्स कर लीजिए। और 3-3 कमांडो, 3-3, 1 PTI तो कमांडो, कहाँ है सर्टिफिकेट? तो जनता को चूतिया बनाना बंद कर, ये जो पैसे गलत तरीके से ले रहा ना, ठीक है, वो लेना बंद कर। स्वाति का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, भुड़बक बनाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। आगे से ख्याल रखना, मेरे से मत उलझना, ठीक है। हमारे भोजपुरी बिहार में ना बैर होता है, बैर समझ तो बेर, ठीक है, वो काटा हूँ मैं, इधर से पहले इधर लगोगे इधर छोड़ाओगे इधर फंस जाऊंगा, इधर छोड़ाओगे इधर फंसा लूंगा। तो मेरे खिलाफ आज के बाद कोई वीडियो मत डालना, ठीक है। और गाली गलौज सबको आता है, देख लेना मेरे गाली, ठीक है, गाली गलौज सबको आता है। दूसरी, तेरी बोला एकेडमी छोटी है, भले एकेडमी छोटी है भाई, दिल बड़ा होना चाहिए, ट्रेनिंग सही होना चाहिए, बच्चों का पैसे नहीं अटता, ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख पैसे नहीं अटता बच्चों के, 6,000 5,000 4,000 2,000 जो देते हैं वो रख लेता हूँ, ट्रेनिंग दे देता हूँ, तेरे से फंसाता नहीं हूँ। और पता नहीं किससे किसे साइन करवा लेता, मैंने सुना है साइन पहले करवा लेता गोरा कागज पे। भाई कोई भी एकेडमी में जाओ, ठीक है मेरे भाई, किसी भी एकेडमी में जो भी आप साइन करो ना, तो पहले उसका कंडीशन पढ़ो, ठीक है,
इतना तो हमारे कोई भी कंडीशन भी ना पड़ ले साइन कर देगा रे तुम लोग। हो सकता है कुछ और वो साइन करवा ले, हो सकता है बोले 10 लाख रुपया लिया था हमसे, ये भी साइन करा सकता है। तो भाई कोई भी अगर आप साइन करो कागज ना, तो पढ़े लिखे हो ठीक है, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा, सही बात है ये आर्मी के बच्चे थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं ना, इसका ये फायदा उठा रहा। तो अगर तुम कम पढ़े लिखे हो ना, तो कोई घर में पढ़ा लिखा होगा उसको भेजो, बोलो भैया ये क्या है, उसके बाद साइन करो। नहीं तो इसके जैसे मगरमच्छ बैठे हैं पानी में खा जाएंगे, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो बढ़िया से जोश से फैलता। और आगे से ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।